नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मोबाइल फ़ोन से डिलीट हुए डेटा को हम किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल्स, यदि हमारे मोबाइल में ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है, गलती से हमसे डिलीट हो जाता है या फिर हम लोग जानबूझकर डिलीट कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये जो डेटा डिलीट हुआ है ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम का था। अब हमें जो है सर्च करना होता है, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस नेट पर सर्च करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं कि कौन से एप्लीकेशन के द्वारा या कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा हम इन डेटा को जो है वापस से रिकवर कर पाएंगे। साथ ही हम लोग ये भी सोचते हैं कि जो WhatsApp पर डिलीटेड डेटा होता है उसको हम किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के WhatsApp जो है WhatsApp पर फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो मैसेजेस या डॉक्यूमेंट्स हो गया या चैट हिस्ट्री जो है डिलीट हो जाती है, उसके बाद वो YouTube पर वीडियोज़ सर्च करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने WhatsApp डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप इन सभी के सभी डेटास को इस पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन की मदद से रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन ये एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस एप्लीकेशन के द्वारा आप काफ़ी सारा डेटा अपना रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके मोबाइल से वीडियोज़, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स या फिर ऑडियो फाइल डिलीट हो चुकी है, गलती से डिलीट हुई है, चाहे वो जानबूझकर डिलीट हुई है, यदि आप वापस से उसे रिकवर करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि यदि आपके WhatsApp से कोई डेटा यानी कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई चैट हिस्ट्री डिलीट हुई है तो भी आप इस एप्लीकेशन की मदद से बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। वैसे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएगी, लेकिन यह एप्लीकेशन जेन्युइन है और मैंने भी इस एप्लीकेशन को ट्राई किया है। इस एप्लीकेशन का नाम है ULT डेटा और यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। यदि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, तो मैं प्रैक्टिकली एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को बड़ी आसानी से समझ पाएँ। कोई डाउट या क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और यदि कोई सजेशन हो हमारे वीडियोज़ के लिए, हमारे इस चैनल के लिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रेगुलर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा मनीष राठौर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thanks.